जय श्री राम भक्तों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, होई सोई जो राम रचि राखा, यानी भगवान राम की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। भगवान राम स्वयं ही अपनी लीला को पूरा करने के लिए वन जाना चाहते थे, क्योंकि वन में उन्हें हनुमान जी से मिलना था, सबरी का उद्धार करना था, धरती पर धर्म और मर्यादा की सीख देनी थी। इसलिए जन्म से पहले ही राम यह तय कर चुके थे कि उन्हें वन जाना है और पृथ्वी से पाप का भार कम करना है। दूसरा कारण यह है कि नारद मुनि के मन में एक सुंदर कन्या को देखकर विवाह की इच्छा जगी। नारद मुनि नारायण के पास पहुँचे और हरि जैसी छवि मांगी। हरि का मतलब विष्णु भी होता है और वानर भी। भगवान ने नारद को वानर मुख दे दिया। इस कारण से नारद मुनि का विवाह नहीं हो पाया। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि आपको देवी लक्ष्मी का वियोग सहना पड़ेगा और वानर की सहायता से ही आपका पुनः मिलन होगा। इस श्राप के कारण राम सीता का वियोग होना था, इसलिए भी राम को वनवास जाना पड़ा था। तीसरा कारण यह है कि मंथरा की जुबान से देवी सरस्वती बोल रही थी, इसलिए मंथरा की बातें केकई की मति को फेरने के लिए काफ़ी था। केकई ने खुद को कोप भवन में बंद कर लिया। राजा दशरथ जब केकई को मनाने पहुँचे तो केकई ने भरत को राजा और राम को 14 वर्ष का वनवास का वचन मांग लिया। इस तरह भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। चौथा कारण यह है कि भगवान राम का जन्म रावण वध करने के उद्देश्य से हुआ था। अगर राम राजा बन जाते तो देवी सीता का हरण और इसके बाद रावण वध का उद्देश्य अधूरा रह जाता। इसलिए देवताओं के अनुरोध पर देवी सरस्वती केकई की दासी मंथरा की मति फेर देती हैं। मंथरा आकर केकई का कान भरना शुरू कर देती है कि राम अगर राजा बन गए तो कौशल्या का प्रभाव बढ़ जाएगा, इसलिए भरत को राजा बनवाने के लिए तुम्हें हट करना चाहिए। केकई ने हमेशा राम को अपने पुत्र भरत के समान ही प्रेम किया। कभी भी केकई ने राम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। यही वजह थी कि जब राम ने वन जाने की वजह का पता भरत को चला तो वह हैरान हुए कि माता केकई ऐसा कैसे कर सकती हैं। और सच भी यही था कि केकई ने यह जानबूझकर नहीं किया था, इनसे यह काम देवताओं ने करवाया था। श्री राम का देवी सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास गमन। रामायण की कथा के अनुसार केकई की जिद की वजह से भगवान राम को वन जाना पड़ा था, लेकिन यह एकमात्र दृश्य घटना है। श्री राम के वन गमन के पीछे कई दूसरे कारण भी थे, जिन्हें वही व्यक्ति समझ सकता है जिन्होंने रामायण को पढ़ा और जाना है।